हैदराबाद के चारमीनार इलाके में उस वक्त ट्रैफिक जाम हो गया जब ऑटो वालों ने ट्रैफिक पुलिस की ओर से किए जा रहे चालान का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया। एसीपी ट्रैफिक जी नागैया ने बताया कि लाइसेंस के न होने पर चालान किया गया है और इसी क्रम में ऑटो वालों को जागरूक करते हुए उन्हें नियमों का पालन करने को कहा गया है, जिसके बाद उन्होंने अपना धरना रोक दिया। इस धरने की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाले कुछ भी कुछ मारे नहीं तो कुछ तो करे बोले तो वो जुल्म होता। पुलिस वाले चलान भी नहीं करना बगैर चलान के बोले तो ये आप भी सोचने के बात है। आप चला के आप जो आप गलत करके फिर रोड रास्ता रुके और एक गलत करना, ये तो ना अच्छा नहीं। लेकिन अब मैं समझाया लोगों को, लाइसेंस नहीं है तुम्हारा पास, आरसी नहीं तो परमिट को सो तो भी एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लाओ। ओरिजिनल लाए तो आप लोगों को गाड़ी में छोड़ देता हूँ, जब कोर्ट का समन आया थे वो समन के जाएगा कोर्ट पे हिसाब कर लेके तुम फैसला कर लो। नहीं हम उसके अंदर रहते हैं, पर जो रनिंग ऑटो जो रहता ना पैसेंजर दूसरे इलाके हमारे सामने रोकते कि बोले तो उन लोगों को जगह नहीं रहती तो रोड पे रोकते। अब उन लोगों की तरफ से क्या हो रहा, हम लोगों को परेशानी हो रही तो हम लगा भी आइंदा ऐसा नहीं होने देंगे, साफ बोले ना जगह एक हिसाब से देंगे कहीं से भी लगा के वो हिसाब से हम भी उनके ऑपरेट कर लेंगे सबको।